नमस्कार, स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी में। मैं हूं तलहा। नए साल से आपको कपड़े, जूते, चप्पल और टेक्सटाइल का सामान खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा पैसे खर्च करने होंगे। केंद्र सरकार ने इन सभी सामान पर जीएसटी को बढ़ा दिया है, यानी नए साल से कपड़े और जूते चप्पल खरीदना महंगा हो जाएगा। सरकार पहले इन सामान पर 5% के दर से जीएसटी लगाती थी, लेकिन अब इसको बढ़ाकर 12% कर दिया गया है। नई दरें जनवरी 2020 से लागू की जाएंगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स ने अधिसूचना जारी कर इस बारे में जानकारी दी है। काफ़ी समय से संभावना जताई जा रही थी कि सरकार रेडीमेड और टेक्सटाइल पर जीएसटी बढ़ा सकता है। आपको बता दें कि अब किसी भी कीमत के फैब्रिक पर 12% के दर से ही जीएसटी लगेगा। पहले 1,000 रुपये तक की कीमत के कपड़े पर 5% दर से जीएसटी लगता था, लेकिन अब सभी पर 12% दर से जीएसटी लगाया जाएगा। इसके अलावा धागों पर भी 12% दर से ही जीएसटी लगेगा। इसके अलावा बुने धागे, सिंथेटिक धागे, थान, कंबल, टेंट, टेबल क्लॉथ, रग्स, तौलिया, नैपकिन, रुमाल, कालीन, गलीचा, लोई सभी पर 12% के दर से ही जीएसटी लागू होगा। वहीं फुटवेयर पर भी जीएसटी के रेट्स को बढ़ाया गया है। क्लॉथिंग मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया सरकार के इस कदम का विरोध कर रहा है। संगठन का कहना है कि देश में महामारी का असर अभी तक गया नहीं है। व्यापार में अभी भी उस तरह की तेजी देखने को नहीं मिल रही है जैसे पहले देखी जाती थी। वहीं सरकार की ओर से जीएसटी की दरें बढ़ा दी गई हैं। सरकार के इस फैसले से आम जनता को पहले की तुलना में ज़्यादा खर्च करना होगा। उद्योग जगत में महंगाई की मार अभी भी देखने को मिल रही है। कच्चे माल की कीमत के साथ विशेष रूप से यार्न, पैकिंग सामग्री और माल ढुलाई में लगातार तेज़ी देखी जा रही है, जिसकी वजह से आने वाले वक्त में कपड़ों की कीमत में करीब 15-20% तक का इजाफा हो सकता है। इस खबर में फ़िलहाल इतना ही। देश और दुनिया के ताज़े तरीन अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।